आ रहे थे कि सर फुटिंग पे एक वीडियो बनाओ जिसमें पूरा फुटिंग का स्टार्ट से एंड तक प्रोसीजर हो। ठीक है, तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि फुटिंग का हम कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप हमारे देख रहे हो ये ग्रिड मारा हुआ है विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन, मतलब एक ग्रिड रहेगा एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, उधर से हम इजिली सेंटर ले लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आपको बता देता हूँ कैसे कैसे होगा। सबसे पहले देख रहे हो जैसे ये मेरी एक ग्रिड को नीचे उतार रहा है, मतलब उसी लाइन पे हम उसकी शटरिंग करेंगे। ठीक है, एक बार शटरिंग हो जाए उसके बाद हमारा क्या रहेगा, बॉटम, जो उसका बॉटम बार, इसकी मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा भी इसकी स्टील डिटेल। पहले आप देख लीजिए मतलब इसका प्रोसीजर रहता कैसे है। ठीक है, अभी ये हमने ये 2100x2100 की फुटिंग है मेरी, उसमें हमने ये डाल दिया उसकी बॉटम मैश। ठीक है, बॉटम मैश होने के बाद उसके मतलब कवर, उसका बॉटम का कवर, इधर हमने यूज़ किया 75mm का कवर। ठीक है, ये डिपेंड करता है फुटिंग किस हिसाब से, उसी हिसाब से हम कवर यूज़ करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारा क्या रहता है फुटिंग में 75mm का ही कवर यूज़ किया है। ये हमारा RCC का कवर है, कई बार क्या होता है कि ड्राइंग में मैंशन होता है कि आपको PVC का कवर ही यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके बाद ये देख रहे हो मतलब एक बार हमारी बॉटम जाली होगी, उसके बाद एक कॉर्नर पे उन्होंने स्टील एक बांध दिया कॉर्नर पे कि जब हम कॉलम डालेंगे तो वो बॉटम मैश हिले नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमने ग्रिड मतलब उतारे थे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो हम विद द हेल्प ऑफ प्लंब बॉब उनको नीचे उतार लेंगे कि इससे हमारा क्या होगा कि हमारा कॉलम का हमें सेंटर मिल गया, कॉलम का सेंटर मिल जाएगा, उससे हम इजीली जो हमारा अगर 400x400 का 200x200 का लेके कर देंगे डिवाइड। ठीक है, यहाँ देख रहे हो हमारा ये कॉलम है 500x400 का, तो अभी मैंने मतलब एक्स एक्सिस मार दी है। ठीक है, अभी हम जो इसकी वाई एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, ये बांधी डोरी क्यों, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ से आई, ये हमें टोटल स्टेशन से हमने कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं ड्राइंग में, इजीली हम उनको मार देंगे और नीचे उस विद दी हेल्प ऑफ उसको मार्किंग कर देंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अभी वाई एक्सिस की मार्किंग कर रहे हैं। या ऐसे ही इधर भी वैसे ही प्लम बॉब से हम नीचे पॉइंट उतार लेंगे और हमें सेंटर मिल जाएगा कॉलम का। ये फुटिंग हमारी पीसी, इसके नीचे पीसीज है, लेकिन ये फुटिंग हमारी क्या है इधर वाटर मतलब ज़्यादा सीपेज है, तो उसकी वजह से जो हमारा क्या है जो बॉटम सरफेस है वो ख़राब दिख रहा है, लेकिन जो 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 भी फुटिंग रहेगी उसकी पीसीसी प्रॉपर वे से होनी चाहिए। अब देखो जैसे हो रहा है हमारा कि सेंटर मिल गया, अब उससे हम पॉइंट ले लेंगे क्योंकि हमारी फुटिंग है 500x400 की, तो सेंटर से हम 200x200 दोनों तरफ कर लेंगे और उधर 250x250। उसमें क्या होगा कि 50x50 हम कवर माइनस पहले ही कर लेंगे मार्किंग के दौरान ही और नीचे कॉलम उतार देंगे। ठीक है, एक बार ये हो जाए तो अभी हमारा कॉलम उधर शिफ्ट करने के लिए रेडी है। ये हमने पहले ही मतलब वाइंडिंग करके, कटिंग और बाइंडिंग करके कॉलम रखा है, इजीली शिफ्ट करके हम सीधा खड़ा कर दें। कई बार क्या होता है कि मतलब वहीं कॉलम बांधा जाता है, लेकिन इधर क्या है हमारे पास, हमने पहले ही कॉलम कर रखा है और मैन्युअली जहाँ मतलब विद द हेल्प ऑफ क्रेन हम इसे शिफ्ट कर लेंगे और वहाँ उसकी जगह पर रख देंगे, मार्किंग की होती है और इजीली हम उसको उठा के वहाँ रख सकते हैं। और जैसे एक बार कॉलम पहुंच जाए हम स्लाइड करके इजीली उसकी उसकी जगह पे उसको रख देते हैं।
जैसे जो हमने मार्क किया था मार्क, उसी हिसाब से हम कॉलम को उस पर खड़ा कर देंगे, जो भी आगे पीछे करना रहता है वो इजिली उधर से हो जाता है। एक बार हमारा कॉलम खड़ा हो जाए, इजली हम पाइप डाल के उसको पोजीशन में जहाँ सपोर्ट से जहाँ भी उसका फोल्डिंग करके इजली कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसको मार्किंग की पोजीशन में लाने के लिए हमें थोड़ा आगे पीछे कॉलम को करना पड़ सकता है। एक बार कॉलम पोजीशन में आ गया, विद दी हेल्प जो हमने कोऑर्डिनेट मारे होंगे जो ग्रिड थे उधर से हम उसका कवर चेक कर लेंगे कि हमें प्रॉपर 50-50 कवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो हमारी लेबर कवर चेक कर रही है कि बराबर बाहर से कवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक बार एक्स एक्सिस में हो जाए तो दूसरी वाई एक्सिस में वैसे हम चेक करके देख लेंगे कि हमें प्रॉपर कवर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर कवर नहीं मिलेगा तो बाकी आगे ऊपर चांसेस रहेंगे फिर क्रैक्स के या जो भी, तो इसलिए हमें पहले ही नीचे ही फुटिंग में कवर चेक कर लेना चाहिए। जाएगा ना उस तरफ ओलम देख लीजिए ना, वो देखेंगे तो मेन वही चाहिए। ओलम का क्या है यार, ओलम तो नहीं तो आपको वहाँ से मिल जाएगा ना, वो मान लीजिए पेटी के इधर उधर फंसता हो कोई गारंटी। एक बार का जो बॉटम जाली हो गई तो अभी क्या करना है, उसकी टॉप जो मैच रहती है ट्रेपेज़ॉइडल शेप की वो हम कर देंगे। इस वीडियो में मैंने उसकी बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं बताया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल बताऊंगा कि हमें टॉप बार का कैसे करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो हमने पूरा अच्छे से बांध के इसको रख दिया, कॉलम हमारा रेडी है अभी कंक्रीटिंग के लिए। ठीक है, तो अभी हम अगर अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका बार बेंडिंग शेड्यूल करते हैं। की डिटेल, ठीक है, जो फुटिंग अभी मैं दिखा रहा था उसकी डिटेल। ठीक है, तो जो कितने की फुटिंग थी हमारी 1700x2300 और 2100x2100 की दो फुटिंग जो मैंने आज आपको दिखाई। ठीक है, उसकी सेक्शन कैसे काटी हुई और उसका स्टील कैसे दिया हुआ है एक बार देख लीजिए। जो हमारा दिया है 10x200 के सेंटर से बॉटम बार और टॉप बार, जो ट्रेपेज़ॉइडल शेप आएगी इसके मैं आपको BVS बार बेंडिंग शेड्यूल दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के